कुछ पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परिवारों ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं पिता ईश्वर प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया है। वो जीवन अविनाशी है, अमर है और निर्मल है। लेकिन जब परीक्षाओं का या प्रलोभन का सामना करना पड़ता है तो हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। आज हम ईश्वर से ही कृपा मांगें, भले ही कितने भी समस्याओं का सामना करना पड़े, हम अपने विश्वास में मजबूत रहें। आइए हम इस मिसा बलिदान में प्रवेश करने से पहले अपने पापों के लिए पछताएं और ईश्वर से एक दूसरे से माफी मांगते हुए ये पावन बलिदान में प्रवेश करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांतिपूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करें ताकि योग्य रीति से आप ईश्वर का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ, संत पैत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 3-9 तक। पाठ का मूल वाक्य, आप लोगों ने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं। आप एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। धन्य है ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से
परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्तजन उनका मनन करे। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा को राष्ट्रों की भूमि दिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। जय घोष, आलेलुया। यीशु धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य ये बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों,
ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है। उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए यह तो असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, जब प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, उनको मालूम है वहाँ जाकर उन्हें मृत्यु को अपनाना है। लेकिन यहाँ पर एक जवान लड़का प्रभु के पास आता है और पूछता है, अनंत जीवन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ ईश्वर मृत्यु को अपनाने के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक जवान लड़का प्रभु से अनंत जीवन का मार्ग पूछ रहा है। प्रभु उसको देखते हुए उसे बोलते हैं कि तुम्हें जो तोरा में लिखा गया है उन नियमों का पालन करना है। वो जवान लड़का जवाब देता है, बचपन से वो सब भक्तिपूर्व ध्यान रखता है, उनका अनुसरण करता है। लेकिन जब प्रभु को मालूम पड़ा उसके अंदर एक कमी है, उसके पास धन दौलत है, उसका पूरा भरोसा उसके धन दौलत में है, तो प्रभु यीशु उसे कहते हैं, अपने धन दौलत को त्याग दो। उसके लिए कठिन पड़ा या उसके लिए आश्चर्य की बात रहा, क्योंकि यहूदियों के समझ के अनुसार जितना धन दौलत आपके पास ज़्यादा है, उतना ईश्वर आपको प्यार करता है। तो जब ये व्यक्ति ने सुना कि ईश्वर कहते हैं अपने धन संपत्ति को त्यागने के लिए, वो चला जाता है। उसके लिए अनंत जीवन से बढ़कर उसका धन दौलत था, इसलिए वो उसको बचाने के चक्कर में अनंत जीवन खो देता है। आज भी हमारे साथ ये घटना हो सकता है। हम किसको प्यार करते हैं या किससे प्यार करते हैं या किससे हम अधिक लगाव रखते हैं, ये हमें देखना है। कभी कभार अनंत जीवन को हम खो सकते हैं जब हम सबसे ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों पर, व्यक्तियों पर देते हैं। तो इसलिए आज प्रभु यीशु हमें एक शिक्षा देते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए हम कुछ भी त्याग सकते हैं। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्ति पूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाएं।
इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाएं। हम ये दीन याचना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन 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 ईश्वर स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी आजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से मैं बचा, और इस जीवन में मैं कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं, धन्य हम सब जो इनके बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत काल के लिए मेरी रक्षा करता रहे, आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मैं प्रभु की महिमा गाऊंगा, उसने मेरा भला किया है। मैं सर्वोच्च प्रभु के नाम का स्तोत्र गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। शांति का दान धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आंखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आंखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति।